हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक स्वीट रेसिपी शेयर करूंगी और वो है मैसूर। हम जब मैसूर बाहर से लाते हैं तो उसमें अच्छी सी जालियाँ होती है और घर पे कई बार हमारा ऐसा नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आज जो मेज़रमेंट के साथ आपको दिखाऊँ उस स्टाइल से आप बनाएंगे तो एकदम बाहर जैसा सॉफ्ट और जालीदार आपका मैसूर रेडी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैसूर बनाने के लिए हमें मेज़रमेंट में एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा तो ही हमारा मैसूर एकदम अच्छा जालीदार बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने एक कप बेसन लिया हुआ है। ये जो मैं स्टील का कप दिखा रही हूँ उसी कप से मैंने सारी चीज़ों को नापा हुआ है, इसीलिए आप जो भी कटोरी या कप का मेज़रमेंट लें उसी कप या कटोरी से आपको सभी चीज़ों को मेज़रमेंट करके लेना है तो ही आपका अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है, 1 कप चने का एकदम अच्छे से पीसा हुआ। उसके सामने मैंने 1¼ कप यानी कि 1¼ कप मैंने चीनी ली हुई है, 2½ कप हम घी लेंगे और 1/2 कप हम पानी लेंगे। ये मेज़रमेंट एकदम अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अब एक एकदम थिक बॉटम वाला कोई भी कढ़ाई या बर्तन आपको ले लेना है। एकदम उसका बॉटम थोड़ा सा हमें थिक चाहिए, एकदम पतला वाला होगा तो हमारा चिपक जाएगा। उसके अंदर मैंने चने का आटा डाल दिया है, बेसन हमारा, और चीनी भी डाल दी है। चीनी हमने ली थी 1¼ कप यानी कि 1¼ कप चीनी, 2½ कप घी और 1 कप हमने लिया था चने का आटा, और उसके सामने 1/2 कप हमने डाला है यहाँ पे पानी। अब इन सारी चीज़ों को हम गैस की फ्लेम पे नहीं लेकिन नीचे ही अच्छी तरह से हमें उसको हिला देना है ताकि अंदर कोई भी गुठलियाँ या लम्स जैसा ना रहें। ये प्रोसेस हमें गैस के ऊपर नहीं करनी है, नीचे ही अच्छी तरह से उसे कर देना है और बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें उस तरह से। अब जब अच्छी तरह से सब मिक्स हो जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी गैस की फ्लेम को, चीनी हमारी मेल्ट हो जाए तब तक हमें गैस की फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम रखनी है, बाद में हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब हमें अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में चीनी मेल्ट हो जाए उस तरह से उसे चलाते जाना है और हमारा ये जो चने का आटा है, बेसन, ये एकदम अच्छी तरह से एकदम सीख जाना चाहिए, उसका कलर एकदम गोल्डन आ जाए तब तक हमें उसे अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी भी थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट होने लगा है हमारा। इसमें मैसूर बनाने में खास आपको ख्याल ये रखना है कि आपको उसे लगातार चलाते रहना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बबल्स आने लगे हैं क्योंकि चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब हमें चने के आटे को अच्छी तरह से हिलाना है। एक ही डायरेक्शन में हो सके तो हिलाना तो ही बहुत ही अच्छा बनेगा आपका मैसूर जाली वाला एकदम। अब हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और लगातार इसे चलाते ही जाना है। और ख़ास ख्याल रखना कि जो भी आप बर्तन या कढ़ाई ले वो एकदम थिक बॉटम वाली लेना, नहीं तो नीचे चिपक भी सकता है। 5 मिनट तक लगातार चलाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो थोड़ा सा अभी जो टेक्सचर था वो थिक होने लगा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी और गाढ़ा होने लगा है लेकिन उसका कलर बिल्कुल भी अभी एकदम ब्राउन जैसा नहीं हुआ है और हमारा घी जो हमने इतना सारा डाला हुआ है वो एकदम अलग हो जाएगा। तभी उस स्टेज पे ही हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम स्लो रख के हमें लगातार चलाते जाना है। आपको लगेगा कि घी की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है लेकिन घर का घी हो और घर की बनी हुई ये मिठाई अगर आप कोई बार त्यौहार में खा लेते हो तो कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि घी के भी कहीं हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बाहर की जगह फिर ये घर का मैसूर अच्छा लगने लगेगा। आप देख सकते हैं कि घी अभी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है और कढ़ाई में से ये जो मिक्सचर है हमारा वो थोड़ा थोड़ा जो चिपकता था वो चिपकना बंद हो गया है और एकदम सिरे जैसा हो गया है। इस स्टेज पे आपको इसके अंदर इलायची का पाउडर या कुछ भी डालना हो तो आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि वैसे ही घी के फ्लेवर की वजह से इतना अच्छा टेस्ट आता है उसका, तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला है। अब घी एकदम ऐसे लगे कि अलग होने लगा है डाला हुआ सारा, तो आपको गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और उसे थोड़ा सा ब्राउन कलर फटाफट अभी आ जाएगा तो तब आपको उसको निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जालियाँ भी थोड़ी थोड़ी आने लगी है, घी हमारा एकदम सारा निकल आया है। आपको थोड़ा सा स्टेज पे निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं लेकिन बहुत ही संभाल के निकालना होगा, नहीं तो ये जो जालियाँ बनी हुई है हमारी ये पूरे की पूरी ये प्रोसेस में वो चली जाएगी। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम अंदर जालियाँ भी पड़ने लगी है उसके अंदर और कलर भी उसका गोल्डन ब्राउन आने लगा है।
थोड़ी सी गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे तो ही ये अच्छा सा कलर आपका आएगा। तो इस स्टेज पे हमें ऐसी जालीदार दिखने लगे उसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को हमें बंद करके उसे एक प्लेट के अंदर निकाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसे एक प्लेट के अंदर निकाल दिया है। निकालने के बाद हमें उसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, उस प्लेट को ऐसे का ऐसा ही रखना है तो ही अंदर जालियाँ बनी रहेगी। अब जैसे कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, एकदम गरम-गरम ना हो और नॉर्मल थोड़ा सा हो जाए, उस वक्त हमें उसके अंदर अच्छी तरह से पीसीस ऐसे काट देने हैं जिस साइज़ के आपके करने हो उस हिसाब से। उसको बिल्कुल भी डालने के बाद ऊपर से प्रेस मत कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसा अनइवन ऊपर से आपको दिख रहा होगा लेकिन ओरिजिनल मैसूर ऐसा ही होता है। टेस्ट और अंदर से जालियाँ एकदम परफेक्ट उसकी पड़ेगी। तो ऊपर के टेक्स्चर को बिल्कुल भी आप इग्नोर करें और इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा गार्निश करना हो, बादाम पिस्ते कुछ भी आपको ड्राई फ्रूट से, तो वो भी आप कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा ब्राउन गोल्डन कलर उसका दिख रहा है। अब ठंडा होने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी अच्छी ठंडा हो गया है, कितनी अच्छी जालियाँ और टेक्सचर उसका, और कलर भी आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन जितना अच्छा आया है इसका, और टेस्ट में तो ये एकदम ही बढ़िया लगता है। तो एक बार ज़रूर ये मैसूर की रेसिपी आप ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।